हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 20 ट्यूटोरियल है रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग सीखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो हम उसे इनहेरिट कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। लेट अस सपोज कीजिए, एक एग्जांपल अगर हम कॉमन एग्जांपल लें तो देखिए, आपने अपने फादर के उसमें से कुछ चीज़ इनहेरिट की होंगी या फिर उनके गुण आप में होंगे, तो ये चीज़ क्या होती है, एक इनहेरिटेंस कहलाती है। तो उसी तरीके से हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, एक क्लास के मेथड को दूसरी क्लास में यूज़ कैसे कर सकते हैं, इनहेरिटेंस की हेल्प से। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास इस तरीके से, और इस क्लास को कोई भी नेम दे सकते हैं आप, तो मैं इसे दे रहा हूँ पर्सन, इस तरीके से नेम दिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक क्या कहते हैं आपका सेटर और गेटर साथ में क्रिएट कर रहे हैं। तो ATTR, मैंने आपको बताया था सेटर और गेटर जब एक साथ क्रिएट करना होता है किस तरह से करते हैं, ATTR _ एक्सेसर इस तरीके से, और उसमें हम वेरिएबल्स पास करेंगे, जैसे कि नेम, सबसे पहले नेम पास किया, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर लगाएंगे कोटेशन, फिर सॉरी सिंगल कोटेशन, फिर यहाँ लिखेंगे सॉरी सिंगल कोटेशन नहीं सिंगल कॉलम कॉलम, फिर लिखेंगे एज इस तरीके से। ये हमने दो चीज़ें इसमें सेट कर दी। अब देखिए, एक और क्लास बनाते हैं, तो यहाँ इसके अंदर लिखेंगे इस तरह से क्लास, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर पर्सन के बाद जैसे स्पोर्ट्समैन इस तरीके से, हमने कोई नेम दे दिया ऐसे स्पोर्ट्समैन दे दिया ऐसे नेम। अब ये क्या करेगा, इसको इनहेरिट करेगा पर्सन को, तो यहाँ पर लिखते हैं हम पर्सन, क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी एक पर्सन है, तो उसका भी नेम होगा, उसकी भी एज होगी। लेकिन जो पर्सन, ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई पर्सन एक स्पोर्ट्समैन हो, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन एक पर्सन हो सकता है, तो इसलिए हमने स्पोर्ट्समैन से पर्सन को इनहेरिट किया हुआ है। अब देखिए, हमने इनहेरिट कर दिया और इसका पी कैपिटल है इस तरीके से। अब देखिए, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी तरीके से एक सेटर गेटर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ इसके बाद इसे कर देते हैं पेस्ट, और इसमें हम नेम और एज को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नेम और एज हमें पर्सन से मिल जाएगा, क्योंकि हमने इसे इनहेरिट किया है, तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, नेम और एज को स्पोर्ट्समैन एक्सेस कर सकता है, तो हम इसमें कुछ नए एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कौन सा खेलता है वो, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एट्रीब्यूट को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखिए, इसे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले SP मैंने नेम दिया इसे इजिकल टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्समैन इस तरीके से, फिर लिखेंगे डॉट, और फिर लिखेंगे न्यू, ये हमने स्पोर्ट्समैन न्यू इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब देखिए, मैंने इस स्पोर्ट्समैन का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि ये क्या कर रहा है स्पोर्ट्समैन, इसकी सारी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहा है, नेम को भी एक्सेस कर रहा है, एज को भी, तो डायरेक्ट इसका क्रिएट कर लेंगे तो इनडायरेक्टली इसका भी आपका क्रिएट हो जाएगा, इसके फंक्शन भी आप यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए, फिर यहाँ लिखता हूँ SP.age देता हूँ मैं इसे, एज इज इक्वल टू मैंने दिया 20, देंगे SP.name, नेम भी इसका एक्सेस फिट कर लेते हैं, तो यहाँ पर नेम देते हैं विजय इस तरीके से, और फिर लिखते हैं SP.sports, स्पोर्ट्स इज इक्वल टू डबल कोटेशंस में नेम देते हैं क्रिकेट, ये मैंने इसे स्पोर्ट्स दे दिया। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि इस स्पोर्ट्समैन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से हमारे ये वेरिएबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, सबसे पहले लिखेंगे पुट्स, लिखेंगे SP.inspect इस तरीके से, सेव करते हैं इसे, अब इसे रन करते हैं। तो देखिए, कोई पहले इससे पहले वाला आउटपुट आ रहा है, वो देखिए एक चीज़ हमने गलत कर दी, मैंने यहाँ पर एक नई यहाँ पर YouTuber.rb बनाया था, और मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, मैं CSGeek को रन कर दे रहा हूँ, तो इसे यहाँ से कट करके CSGeek में पेस्ट कर देते हैं, अब इसे रन करते हैं। तो देखिए, ये हमें इसके इंस्पेक्ट्स दिखा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है स्पोर्ट्समैन के अंदर, सबसे पहले तो एज है, दूसरा नेम है, और तीसरा स्पोर्ट्स है। तो देखिए, ये था आपका इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन, और आने वाले ट्यूटोरियल में हम थोड़े और एग्जांपल लेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी किसी भी ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।